नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं, यह कुल देवता के द्वारा तंत्र प्रयोग करने का है। क्या आज के इस जमाने में भी कुछ लोग अगर अपने कुल देवता का प्रयोग दूसरे के ऊपर करें, तो क्या कुल देवता साथ देते हैं? और कैसे उनका तंत्र प्रयोग दूसरों पर कार्य करता है, आज के इस अनुभव के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अद्भुत अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुजी, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यदि आपको अपने दर्शकों के साथ साझा करने योग्य लगे तो अवश्य ही साझा करें। मैं ये अनुभव आपके सिवा किसी और को नहीं भेज रहा हूँ। कृपया मेरा नाम और ईमेल गुप्त रखें। गुरुजी, मैं कोई साधक नहीं हूँ, ना ही मुझे साधनाओं का तनिक भी ज्ञान है। बस अपने भाव से माँ को पूजता चला आ रहा हूँ। बचपन से ही न जाने क्यों माँ की तरफ आकर्षित रहा हूँ। लगभग 10 साल पहले माँ के एक धाम जाना शुरू किया था। वहाँ से मिलने वाले प्रसाद को हमेशा अपनी जेब में रखता, ताकि हर प्रकार से मेरी सुरक्षा हो। फिर कुछ समय बाद एक लड़की मेरे जीवन में आई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हमने शादी का फैसला भी कर लिया। जब लड़की ने घर पर बताया तो उसकी माँ आग बबूला हो गई, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक आदमी ढूंढ रखा था जो कि विधुर था, यानी जिसकी पत्नी नहीं होती है, और करोड़पति था। लड़की ने कहा, शादी तो सिर्फ उसी से करूंगी। ये सुन करके उसके घर वाले मुस्लिम तांत्रिक के पास गए, हम दोनों को अलग करने के लिए। इस क्रिया के लिए सारा खर्चा वह करोड़पति कर रहा था, जिससे वो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाना चाह रहे थे। अब हम दोनों के बीच झगड़े होने लगे, पर हम अलग नहीं हुए। फायदे को ना देख वो दूसरे तांत्रिक के पास गए। हम दोनों में और झगड़े बढ़ने लगे। कई कई दिन बात तक नहीं करते, पर फिर भी हम अलग नहीं हुए। अब वह तीसरे तांत्रिक के पास गए। उसने लड़की को पूरी तरह वश में कर दिया और उसने मुझे कॉल, मैसेज सब बंद कर दिए। मैं रोज उसे मैसेज करता था, पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता था। अब लगभग 10 दिन के बाद उसका मैसेज आया। बड़े प्यार से बात की और मैं खुश हो गया। मुझसे शादी के प्लान के बारे में पूछा, तब सब ठीक लगा। 2 दिन बाद जब मैंने सुबह मैसेज किया तो बोली, अब मुझे मैसेज मत करना, और अपनी शादी की फोटो मुझे भेजी। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कल मुझसे शादी की बात कर रही थी, आज उसने किसी और से शादी कर ली। मेरी स्थिति क्या थी, ये माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता। जिस धाम में मैं जाता था, वहाँ के गुरु से मिला। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि उन्होंने कई मुस्लिम तांत्रिकों को साथ लेकर लड़की का बंधन कर दिया था और मुझ पर प्रचंड मारण प्रयोग किया था, जिससे कभी भी मेरी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन धाम का वह प्रसाद मेरी रक्षा करता था। उसी दिन गुरुजी ने मेरी रक्षा के लिए उपाय करने शुरू किए। मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। वो लड़की भी तंत्र के वश में तो थी ही, लेकिन और व्यक्ति की अथाह संपत्ति को देकर उसने भी मुझे छोड़ ही दिया। खैर, मेरी बहुत क्षति हुई, लेकिन उससे कई गुना अनंत धन मैंने पाया। मैंने दरबार की
शरण लेना और वहां निरंतर जाना शुरू कर दिया। मुझे मेरी इष्ट माता मिल गई थी। अब मैं उन्हीं की पूजा अर्चना इत्यादि करता हूँ गुरुजी। फिर एक दिन मैं दिन में सोया हुआ था। मैं सपना देख रहा था कि मैं अपनी आराध्य माँ की पूजा कर रहा हूँ और उनके मंत्र जप रहा हूँ। कुछ समय के बाद मेरे मंत्र बदल कर नरवाण मंत्र हो गए। 4-5 बार नरवाण मंत्र जपने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं तो माता रानी के मंत्र जप रहा था, अचानक नरवाण मंत्र कैसे जपने लगा। ऐसा सोचते ही मुझे मेरे इष्ट की फोटो दिखाई दी और उन्होंने कहा, वो तो मैं ही हूँ। फिर मेरी इष्ट माता रानी के बगल में माँ काली की फोटो देखी और दोनों की कुछ ऊंचाई में जाकर के फोटो अदृश्य हो गई। जब मेरी नींद खुली तब मैंने आंखें नहीं खोली। आंख बंद होने के कारण अंधेरा था, लेकिन अचानक अंधेरा और घना होने लगा। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। कंबल के अंदर होने के बावजूद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में खड़ा हो गया है। उससे जैसे फ्रिज से ठंडी हवा आती है, वैसी हवा मुझे महसूस हुई। मैं बहुत डर गया था, आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। फिर हमारा किसी जमीन संबंधी विवाद हो गया। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सभी के अपने अपने घर के कुल देवी देवता होते हैं, तो उनमें से कुछ देवता ऐसे होते हैं कि यदि उनके परिवार के सदस्यों के झगड़े के समय उन्होंने दूसरे के नुकसान के लिए उन्हें पुकारा, तो वो देवता कौन सही है कौन गलत है यह सोचे बिना दूसरे पक्ष का बुरा करने लग जाते हैं। वही हमारे साथ हुआ। दूसरे पक्ष की महिला ने अपने देवता को पुकारा और उनका देवता हमारे घर में तांडव करने लगा। हमारे पड़ोसी के साथ भी उसी महिला का विवाद हुआ। उन पर भी उसने देवता लगा दिया। उन्होंने एक गाय खरीदी जो 7 लीटर दूध देती थी और वह उनके घर पहुंचते ही उसका पैर टूट गया और वह मर गई। मेरे परिवार में भी सब बीमार होने लगे, दवाई का कोई असर नहीं। फिर गुरु की शरण में गया तो उन्होंने उस देवता का बंधन कर दिया। उसके बाद भी विवाद होता रहा। वो बार बार देवता को पुकार रही थी, लेकिन अब हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उसने खुद कबूल किया कि मेरा देवता तो मेरी तुरंत पुकार सुनता है, पर पता नहीं इन लोगों को कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इसी तरह अपने ही कुछ ईर्ष्यावश हम पर देवता चला दिया। उस समय भी हम काफी परेशान रहे। फिर गुरुजी ने गुरु धारण करने की सलाह दी। फिर हमने गुरु धारण किया तो अब विश्वास है माँ पर और कभी डर नहीं लगता। कुछ समय बाद मेरा ऑपरेशन हुआ तो जब मैं बेहोशी से बाहर आया तो मुझे लगा कि कोई मेरे बेड पर बैठा है। बेड का दबना भी मैंने महसूस किया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरा विश्वास, वो मेरी माँ थी, अपने बच्चों को देखने हॉस्पिटल में आई थी। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है। हर त्योहार में माता रानी के धाम में मत्था टेकने जाता हूँ। मुझे जाना था, लेकिन मुझे बहुत तेज बुखार था, बदन दर्द से टूट रहा था। मेरी स्थिति इतनी नहीं थी कि धाम पे जा सकूं। रात को सोने से पहले माँ से कहा, माँ तेरे पास आना तो चाहता हूँ, पर हालात तो तू देख ही रही है। अब तेरी मर्जी, तू अपना दर्शन देना चाहे तो कैसे भी तू बुला ही लेगी, वरना क्या करूँ। बहुत दुखी था, रात भर बुखार बदन दर्द से सो नहीं पाया। शरीर पूरा तप रहा था, पसीना पसीना हो गया था। ठीक सुबह 4 बजे मेरे पैर के ऊपर से किसी ने रजाई उठाई और नीचे छोड़ी। मैंने आँख खोली, मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी उसी क्षण मेरा बुखार मेरा दर्द न जाने कहाँ चला गया।
मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर माँ के दरबार में गया। जब ये घटना गुरुजी को पूछी कि वो कौन था जिसने मेरी रजाई उठाई, तो गुरुजी ने हंसते हुए माँ की तरफ इशारा किया। कुछ देर बाद मूर्ति से भी एक फूल गिरा। गुरुजी ने कहा, यह बहुत अच्छा संकेत है। बस गुरुजी, अभी तक इतना ही प्रश्न है और इतना ही अनुभव। एक प्रश्न यह है कि यह कैसे देवता हैं कि अपने परिवार के लोगों को पुकारने पर सही गलत देखे बिना किसी का नुकसान कर देते हैं। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं गुरुजी। तो यहां पर इनका यह अनुभव आपने सुना। अभी इन्होंने माता की भक्ति की, उनके मंत्र का जाप किया, इसलिए कल्याण तो होना ही था। सभी प्रकार से इनकी रक्षा भी हुई और मारण प्रयोग इत्यादि से भी इनकी हर प्रकार से रक्षा हुई। लेकिन प्रश्न ये है कि जो भी हमारे कुल देवता होते हैं या कुल देवियाँ होती हैं, इनका आपकी रक्षा करना और जो लोग इन्हें सिद्ध कर लेते हैं, ये उसी तरह कार्य करते हैं जैसे कि आपके पितृ। जैसे कि अगर परिवार के ऊपर दूसरा कोई व्यक्ति कुछ कहता है, लड़ाई करने आ जाता है, तो परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और बहस परिवार के सारे सदस्य दूसरे परिवार के लोगों से करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति कुल देवी देवताओं को भी होती है, क्योंकि वह उस कुल की रक्षा, उस घर की रक्षा कई सालों से करते चले आ रहे हैं। उनकी पूजा होती है, उनका स्थान होता है। पितृ देवताओं की तरह ही वह उस परिवार के पितृ समान होते हैं, इसलिए अगर उनके परिवार के ऊपर कोई संकट आता है तो वह सदैव खड़े रहते हैं। जब इसी में साधना का स्तर बढ़ जाता है तो फिर पितृ केवल कहने मात्र से लड़ने पहुंच जाते हैं और विनाश करते हैं। जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उसी हिसाब से वह दूसरे के घर में परेशानियां ला सकते हैं, उनका कष्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका देवता भी शक्तियां खोता है और आपके ऊपर भी संकट अवश्य आता है। क्योंकि आपका जो कुल देवता है वो आपके कुल की रक्षा के लिए मूलतः नियुक्त है, लेकिन उसका प्रयोग आप तंत्र के रूप में करेंगे तो आप भी नुकसान उठाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। घर में होने के कारण वह सिद्ध हो जाता है और स्थायी निवास उसका वहां पर होता है। एक समस्या यह भी है, अगर आपके घर में कुल देवता हैं या कुल देवियां हैं तो उनकी पूजा पाठ भी ना बंद करें। मॉडर्न ट्रेडिशन के हिसाब से लोग अब कुल देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं, तब यही कुल देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं और आप ही के परिवार के लिए परेशानी बनते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो पूजा मिल रही है ना ही उस स्थान। एक प्रकार से उनकी बेइज्जती होती है जब वह देखते हैं कि ना तो उनकी पूजा हो रही है, ना ही प्रार्थना, ना ही उनके लिए कुछ किया जा रहा है, और घर परिवार के लोग पूजा पाठ से भी दूर हो चुके हैं। तब वह नाराज होते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां और सामर्थ्य उस घर के लिए थी। ठीक उसी तरह जैसे बड़ा बुजुर्ग है, आप उसकी बात ना सुने, उसकी अनदेखी कर लें और पहले उसकी बड़ी इज्जत करते रहे हों, तो फिर वह नाराज होता है। ऐसा ही कुछ कुल देवी देवताओं का भी स्वभाव होता है। तो निश्चित रूप से जो लोग भी इन्हें सिद्ध कर लेते हैं वह दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक सिद्धि की ही विधि मानी जाती है। तो यह था आज का इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।